देखो, ये बताना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था। पेज नंबर आप लोगों का 51 दिया हुआ है। 51 में आप लोगों कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है सर, देखना, ये दिख रहा है, दिख रहा है इसमें, हाँ दिख रहा है बिल्कुल। इसको मैं बोर्ड पर भी समझाता हूँ। ये वाली सारणी आप लोगों के लिए कम से कम 2 से 3 नंबर की ओटी लेकर के आएगी, इस बात को ध्यान रखना। तो इसको मैं थोड़ा सा बोर्ड पर बनाए देता हूँ कि जैसे कि कोई भी समीकरण दिया होता है, समीकरण जो होता है ex स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी रूप में होता है, हमेशा होता है कि नहीं होता। तो कोई भी समीकरण हो उसकी तुलना यदि हम इससे कर देंगे तो हमें एक्यूरेट समझ में आ जाएगा क्या क्या उसकी वैल्यूज है। जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ए का मान यहाँ पर 5 है, बी का मान 3 है और सी का मान 9 है। ये सब चीजें भी आप लोगों को आना चाहिए। तो ये कैसे होगा देख लीजिए। जैसे कोई भी यदि समीकरण दिया गया हो, कोई भी यदि समीकरण दिया गया हो उसमें जैसे कि a1 अपॉन a2, जैसे कि दो समीकरण दिए गए हैं आप लोगों को, छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि यदि अनुपातों की तुलना और ग्राफीय अनुरूपण और बीजगणितीय अनुरूपण, ये सब कुछ आप लोगों को देखना होगा। देखो कोई भी समीकरण यदि दिए गए हैं, समीकरणों की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से ही हमेशा की जाएगी, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बस यदि दो समीकरण है तो a1x b1x c1 और a2x स्क्वायर प्लस b2x और प्लस c2, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के लिए, ठीक। अब आप लोगों को यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, a1x हो गया। अब आप लोगों को जैसे कि आप तुलना करते हो, तुलना करोगे तो a1 का भी मान आएगा, b1 का भी मान आएगा, c1 का भी मान आएगा, a2 भी आएगा, b2 भी आएगा, c2 भी आएगा, दोनों मान आएंगे दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, ठीक। तो यदि तुलना करोगे और आपको यदि a1 अपॉन a2 बराबर a1 अपॉन a2 बराबर प्राप्त होता है b1 अपॉन b2 के, तो आप लोगों को क्वेश्चन में उसमें पूछा जाएगा ओटी में, यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है, एक एक से लिखवा देता हूं, तो ग्राफीय अनुरूपण में प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, ग्राफीय अनुरूपण जैसे अभी अपन बता रहे थे, तो रेखा यदि बनेगी तो ऐसे एक दूसरे को काटती हुई बनेगी, मतलब जैसे यहां कट रही थी, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें कट रही थी, तो रेखाएं कुछ इसी प्रकार तैयार होती हैं, ठीक। ऐसा करने पर ग्राफीय अनुरूपण में क्या होगा, बीजगणितीय केवल हल ही, मतलब उसके कितने हल हो सकते हैं, किसी समीकरण को हम कितने तरीके से हल कर सकते हैं, ये सब चीजें भी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती। जैसे कि किसी समीकरण को सॉल्व करने की कितनी सारी विधियां होती हैं आपको पता भी है, ग्राफीय विधि पहली वाली, विलोपन विधि दूसरी, प्रतिस्थापन तीसरी, चार विधियां होती हैं लगभग, और चौथा कौन सा था आप लोगों का, प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया और बज्रगुणन विधि, ग्राफीय विधि, चार विधियां हो गई आप लोगों की। तो मैं आप लोगों को जो है ये हो गया, अब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, इस कंडीशन में आपका ग्राफ क्या करेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, ग्राफीय अनुरूपण में प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और आप लोगों का यदि हल की बात करें तो अद्वितीय हल, सिर्फ एक ही हल होगा क्योंकि एक ही जगह काटेगी रेखाएं, है ना, तो अद्वितीय हल, यह हल, ठीक। यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों यदि बराबर आते हैं, जैसे कोई समीकरण दिए उनको तुलना करोगे तीनों के अनुपात यदि बटे बराबर आते हैं, तो बराबर आते हैं तो देखो बराबर आएंगे तो फिर यदि तीनों ही बराबर आएंगे तो रेखाएं फिर एक के ऊपर एक ही होके नहीं जाती जाएगी, जैसे यदि कोई ग्राफीय रूपण करेंगे तो एक ऊपर एक चली जाएगी, तो संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी, और संपाती रेखाएं प्राप्त होगी तो हल की हम गैर कर नहीं सकते कि कितने सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे इसके, तो अनेक हल,
ध्यान जरूर रखना, ये सब चीजें आप लोगों को बहुत ही क्रिटिकल केसेस में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, थर्ड वाला, यदि आप लोगों का जो है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2, इस कंडीशन में क्या होगा कि देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर है लेकिन तीसरी बराबर नहीं है, तो देखा है क्या समांतर हो जाएंगे। और समांतर रेखा है कहीं नहीं काटेगी तो इनका कोई हल भी नहीं होगा। थोड़ा सा ग्राफ से समझ लीजिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं जैसे ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे तो ये माना कि ये रेखा है थी, ये वाला बिंदु की शुरुआत की रेखाएं यदि हम बनाते हैं तो ये वाली जो रेखा थी ये वाली तो ये एक जगह काट रही है, यहाँ पर अद्वितीय हल होगा। दो रेखा मान लिया जे है, चलो यहाँ पर काट रही तो एक ही हल होगा। इस वाले में यदि हमने ग्राफ बनाया और ये दो रेखाएं थी उनके एक ही जैसे समान है तो इसी के ऊपर एक और रेखा बनेगी तो हलों की कोई संख्या कितने सारे हल ज्ञात किए सकते हैं, है ना। तीसरे वाले में जे बना दिए समांतर है और भाई कभी काट नहीं रही है तो फिर उनके और हल कैसे हो सकते हैं, काटने पर ही दूसरा हल प्राप्त होगा, काट नहीं रही है तो हल होगा ही नहीं, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो आप। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अब आए हैं हम क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है आप लोगों से क्वेश्चन, अब आपको आसानी समझ में भी आएगा। क्वेश्चन जो आप लोगों से कहता है दूसरा वाला कि अनुपातों को देखकर ज्ञात करना है कि समीकरण योग में जो है निरूपित रेखा है समांतर है अथवा समपाती है। अब आप आसानी से बता सकते हो, देखो मैं यही साइड से ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक सब कुछ लिखा रहने दो। पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, आपसे कहता है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है भैया। इसी का दूसरा समीकरण 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है भैया। अब आप यदि इनकी तुलना करोगे समीकरण एक से इसकी तुलना करो तो a1 b1 और c1 के मान प्राप्त होंगे, तो यहां पर मैं आप बता ही देता हूं पूरा का पूरा। A1 का मान कितना प्राप्त हो रहा है आपको 5, B1 का मान कितना प्राप्त हो रहा है माइनस का 4, C1 का मान प्राप्त हो रहा है आपको 8। देखो A1 पहला वाला AX BY और C AX प्लस BY क्योंकि बहु जो दो ही चर वाले हैं ना, और यहां पर A2 7 B2 6 और C2 कितना आएगा माइनस का 9 बन। अब आप इनकी तुलना कीजिए, देखो तुलना यदि आप ऐसे करोगे A1 अपॉन A2 तो ये आ रहा है 5/7, ये आ रहा है 4/6 और ये आ रहा है 8/9 माइनस का आ रहा है, ये ऐसे ऐसे आ रहा है। लोग काट पीट भी लो तब भी आगे कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं आना, मतलब तीनों के तीनों ही बराबर बराबर भाग रहे हैं। पहले तो पहली वाली कंडीशन क्रिटिकल हो गई, पहले तो इन दोनों को ही चेक कर लेना है, ये दोनों ही बराबर नहीं हो रहा है तो फिर क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। देखो ये वाली कंडीशन बन रही है A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, समझ में आ रहा है। यदि ये बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, बस वही आपसे पूछ रहा है रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी कि समांतर होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन यहीं पर करवा देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में भी आता रहेगा, ठीक छोटी सी जगह में है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 स्पर्श 0 18x 6y इसका तुलना करोगे तो सीधा सीधा मैं डायरेक्ट यदि ओटी में पूछा जाए तो डायरेक्ट कर लेना, नहीं तो दो नंबर में आता है तो बाकायदा समीकरण लिखना इनकी तुलना इनसे करने पर ये भी लिखना बाकायदा A1 B1 C1 के मान भी लिखना A2 B2 C2 के मान भी लिखना, फिर बाकायदा ये भी लिखना प्रतिच्छेदी करने की ये कंडीशन होती है तो संपत्ति करने की ये कंडीशन होती तब जाके सॉल्व करना, तब जाके तुम्हें पूरे दो नंबर मिलेंगे। परेशान कर लेते हैं बोर्ड वाले, दो
नंबर देने में, तो ठीक। तो अब ये 9 बटे 18 की कंडीशन, 3 बटे 6 की कंडीशन और 12 बटे 24 की कंडीशन, इनको उड़ा दो, 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2। अरे भैया इनको इतना प्यार हो गया, तीनों एक ही जैसे आ गए। अब तीनों जब एक जैसे आ ही गए हैं तो कंडीशन कुछ ऐसी लग रही है क्या, a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 तीनों बराबर हैं। यदि तीनों बराबर ही हैं तो रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, समझ में आ गया। अब इसी के साथ थर्ड वाला क्या कहता है, आप लोगों को एक में ऐसा रिवीजन करवा रहा हूं जहां कहीं भी आप ट्यूशन पढ़ते हो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, आप तो मेरे पास ही पढ़ते हो। तो आप लोगों को एक ऐसा रिवीजन दे रहा हूं मैं जो कि आप लोगों को फाइनली टच देगा, पेपर में कैसे लिखना है ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं। अभी तक मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाया है। अब मैंने पहले ही तय कर लिया था कि दिसंबर से मार्च तक मैं खुद मेहनत करूंगा, वो मेहनत मेरी चल रही है, ध्यान रखना। जाओ बेटा जाओ, ठीक। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस का y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ये करोगे 6 अपॉन 2, ओटी वाले मेथड से कर रहा हूं मैं, तो आप लोगों को देख रहा होगा क्या ये आ रहा है, 2 3 6, अब 3 बराबर आया है माइनस का 3, भाई ये शुरुआत में बराबर नहीं आ रहा है, शुरुआत से ही बराबर नहीं आ रहा है, शुरू नहीं आ तो रहा है, ये माइनस का था, ये माइनस का कट जाएगा, तो ये तो बराबर आ रहा है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तीसरा वाला यदि बराबर नहीं आ रहा है तो कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है, तो मतलब तीन सवालों में उन्होंने तीनों कंडीशन क्लियर करवा दी। कंडीशन कैसी बन रही है, a1 upon a2 बराबर नहीं है, b1 upon b2 बराबर नहीं है, ये तो बराबर है ना, समानता रेखाएं होंगी, कैसी पैरेलल, कैसी होंगी पैरेलल लाइंस, ठीक। हमारे कुछ स्टूडेंट्स अभी मैं उनका चेहरा आप लोगों को तवज्जो से दिखाना चाहूंगा लेकिन नहीं दिखाऊंगा, बहुत ही परेशान रहती है पढ़ाई के प्रति, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा थोड़ा सा पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तरीके से लो, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, इनको थोड़ा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपोर्टेंट हो सकती हैं आप सभी के लिए, सब चीजें